पापा बचपन से हम आज तक किसी ट्यूशन में नहीं गए, पापा का मेरे बहुत सपोर्ट था। आगे अब नीट का एग्जाम देंगे, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कम आ गया, दो दो नंबर उसी में। फिजिक्स और बायोलॉजी में 96 है, हिंदी इंग्लिश और केमिस्ट्री में 93। बायोलॉजी केमिस्ट्री पापा पढ़ाते थे, फिजिक्स का हम विक्रमगंज में जाते थे डॉक्टर फुलेंद्र सिंह के। हमारा विद्यालय जमुड़ी जो विक्रमगंज में पढ़ता है, वहाँ का विद्यालय का पढ़ाई या रूपरेखा जो भी देख अब देखने योग्य है, हर तरीके की वहाँ पे सुविधाएं दी जाती हैं। विशेष कक्षाएं कमज़ोर बच्चों के लिए, क्रैश कोर्स, स्मार्ट क्लास, हर तरीके की सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है हम लोगों के द्वारा। नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ रोहतास जिले के विक्रमगंज में और विक्रमगंज का ये घोसिया खुर्द गाँव है और यहीं से एक बिटिया ने अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। जिले में प्रथम स्थान ला करके पूरे जिले का नाम ऊंचा किया है। इस बिटिया से जानने का प्रयास करेंगे, जियन है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि गांव के जनप्रतिनिधि मुखिया जी भी मौजूद हो चुके हैं, इनसे भी कुछ बातें करने का प्रयास करेंगे। चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू जी। आपने साइंस विषय में 471 नंबर ला करके पूरे जिले का नाम रोशन किया है। हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस स्कूल से आपने पढ़ाई किया था? उत्क्रमित एमएस जमोड़ी विक्रमगंज। उत्क्रमित मध्य विद्यालय जमोड़ी से। हाँ। और आपकी जो पढ़ाई सरकारी विद्यालय से हुई और एक सरकारी शिक्षक की आप बेटी हैं। हाँ, क्योंकि वो तो बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है। टीचर तो अपना मेहनत करते ही है, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, बच्चे में लगन होना चाहिए। अच्छा, यदि कहा जाए तो सरकारी स्कूल मायने नहीं रखता है ना, बच्चे में लगन। विद्यालय कैसा भी हो, पढ़ने वाले लड़के के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर तो अपना मेहनत करते ही जी। हाँ, पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों से मन लगा के। गार्जियन है आपके, उनका कितना योगदान रहा आपके पढ़ाई में? बायोलॉजी केमिस्ट्री पापा पढ़ाते थे, फिजिक्स का हम विक्रमगंज में जाते थे डॉक्टर फुलेंद्र सिंह के पास, हिंदी इंग्लिश खुद से देख लेते थे। एक बार मैं जानने का प्रयास करूंगा कि जो आपका नंबर किस विषय में कितना रहा, एक बार हमारे दर्शकों को। फिजिक्स और बायोलॉजी में 96 है, हिंदी इंग्लिश और केमिस्ट्री में 93। एक एक्स्ट्रा में कंप्यूटर लिए थे, उसमें 75 है। अच्छा, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा विषय भी लिए? हाँ, कंप्यूटर साइंस। अच्छा, वो कौन सी चूक हुई कि आप बिहार टॉपर नहीं बन पाई, जिला टॉपर तक? हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कम आ गया, दो दो नंबर उसी में। हिंदी इंग्लिश में कम आया था, उसी में 93 तक रह गया। अच्छा, क्या प्रयास रहेगा कि आगे चल करके? आगे अब नीट का एग्जाम देंगे। नीट का एग्जाम? हाँ, 2025 में। इस साल भी देते लेकिन इस साल एज कम था, एक साल, तो हम 2025 में नीट निकालेंगे। कितने घंटे मेहनत आप करती थी? ऐसे तो देखे नहीं, फिर 8-9 घंटे हो जाता होगा। 8-9 घंटे? हाँ। इस मुकाम को हासिल करने के लिए पिता का और हाँ। माता का कितना सहयोग रहा? पापा का मेरे बहुत सपोर्ट था। पापा बचपन से, हम आज तक किसी ट्यूशन में नहीं गए थे, बस 12th में एक साल के लिए फिजिक्स का गए थे, नहीं तो इतना दिन से पापा ही पढ़ा रहे हैं। आज आपके घर पर काफ़ी लोग आ रहे हैं, मीडिया कर्मी भी आ रहे हैं, किस प्रकार की खुशी महसूस हो रही है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब खुद पे प्राउड हो रहा है कि हम अपने पापा का नाम रोशन किए। कभी लगता था कि ये मुकाम हासिल कर लेंगे? था ऐसा कि आएगा नंबर, कभी ना कभी तो आएगा ही, मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलेगा ही। मतलब इस प्रकार से लगता हाँ। था कि मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा। हाँ। चलिए, बाकी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इस छात्रा ने जवाब देने का प्रयास किया। मैं इनके गार्जियन से अब मिलने का प्रयास करूंगा, बातें कुछ करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। मीडिया एक्सप्रेस को धन्यवाद। आप एक सरकारी शिक्षक होते हुए अपनी बच्ची को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि जो सरकारी शिक्षक होते हैं तो अक्सर प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाते रहते हैं जी, और सरकारी शिक्षक होते हुए आप सरकारी विद्यालय में पढ़ा करके आपने एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया। सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक हर तरीके से एग्जाम देकर चयनित होकर आते हैं, समाज से चुन कर आते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भी
कमी नहीं होता है, बशर्ते लोग जहाँ पैसा खर्च होता है तो लोग सोचते हैं कि प्राइवेट विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन हमारा विद्यालय जमुड़ी जो विक्रमगंज में पढ़ता है वहाँ का विद्यालय का पढ़ाई या रूपरेखा जो भी देख अब देखने योग्य है, हर तरीके की वहाँ पर सुविधाएँ दी जाती हैं, विशेष कक्षाएँ कमज़ोर बच्चों के लिए, क्रैश कोर्स, स्मार्ट क्लास, हर तरीके की सुविधाएँ वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है हम लोगों के द्वारा।